आदरणीय मित्रों, मैं हूं अन्नु कपूर और आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आज के शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत है आप सबका बिग एफएम के स्टूडियो में। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहां पर जमा हैं, आप सभी साहिबान का खैर मकदम करता हूं। आज जिन कही अनकही दास्तानों को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुकेश जी की बीमारी की वजह से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने क्यों चेंज कर दी थी फिल्म मिलन के गीत सावन का महीना पवन करे शोर की कंपोजिशन। इसके साथ साथ एक्टर सुनील दत्त कैसे बने प्रोड्यूसर और कैसे बने डायरेक्टर, यही बताऊंगा आज के ही शो में। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। ये यादगार गीत था 1967 में रिलीज हुई फिल्म मिलन का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को गाया था मुकेश जी और लता जी ने। इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मुकेश जी और लता जी के साथ काफी रिहर्सल की, लेकिन रिकॉर्डिंग से कुछ दिन पहले ही अचानक मुकेश जी को दिल का दौरा पड़ गया और रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ी। कुछ हफ्तों बाद मुकेश जी जब रिकवर हुए तो रिकॉर्डिंग की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। फिर से लता जी और मुकेश जी ने गाने की रिहर्सल्स की, लेकिन इस बार एलपी ने इस गाने में थोड़ा बदलाव कर दिया था। उन्होंने मुकेश जी की तबीयत को देखते हुए इस गाने से एक अलाप हटा दिया। उन्हें लगा कि ये अलाप मुकेश जी के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, सीने में जोर पड़ सकता है, इसलिए अलाप की जगह म्यूजिक का एक पीस ऐड कर दिया। अब मुकेश जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एलपी से कहा कि अलाप मत निकालो, मैं गा लूंगा, लेकिन एलपी ने मना कर दिया। मगर मुकेश जी ने ठान लिया कि वो उस अलाप को गाएंगे जरूर, और ये बात उन्होंने सिर्फ लता जी को बताई और ये भी कहा कि अगर उनका अलाप लता से बेहतर नहीं हुआ तो वो उन्हें 100 रुपए देंगे, नहीं तो 100 रुपए लता जी से ले लेंगे। लता जी मुकेश भैया बोलती थी। लीजिए साहब, टेक शुरू हुआ, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। एलपी को इस बात की बिल्कुल भनक भी नहीं कि मुकेश जी के मन में क्या है, मुकेश जी की क्या प्लानिंग है। लता जी और मुकेश जी ने गाना शुरू किया। पहला अंतरा तो जैसा तय हुआ था वैसा ही गाया, लेकिन जैसे ही दूसरा अंतरा पूरा हुआ और उसके बाद शॉकिंग था कि मुकेश जी ने अलाप लेना शुरू कर दिया। अचानक मुकेश जी के अलाप लेने से सब चौंक गए, लेकिन मुकेश जी ने इशारे से कहा कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करो, और पूरा अलाप लेकर ही उन्होंने गाना खत्म किया। गाना खत्म होने के बाद एलपी ने पूछा, आपने क्यों लिया, मैंने तो बंद कर दिया था, हमने तो इसकी जगह एक म्यूजिक पीस डालने का फैसला किया था। तब मुकेश जी बोले, मैं आपकी कंपोजिशन अपने स्वास्थ्य की वजह से खराब नहीं करना चाहता, अलाप के बिना ये गीत अधूरा था, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि अलाप ले सकूं। मुकेश जी की स्पिरिट के लिए। एक्टर सुनील दत्त कैसे बने प्रोड्यूसर और कैसे बने डायरेक्टर, यही बताऊंगा वापस आके। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैंने आपसे कहा था कि वापस आके बताऊंगा कि सुनील दत्त डायरेक्टर कैसे बने। दत्त साहब एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, रेशमा और शेरा। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के रेगिस्तान में हो रही थी। जैसलमेर जैसे मरुस्थलों में इतनी गर्मी थी कि क्या कहना। हुआ ये कि फिल्म की जब काफी शूटिंग हो गई और फिल्म की फुटेज को देखा गया तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से नेगेटिव जल गए थे और जो शूटिंग की गई थी वो सब बर्बाद हो गई थी। इसके बावजूद हीरो सुनील दत्त ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फिल्म को दोबारा शूट करने का फैसला कर डाला, पर फिल्म के डायरेक्टर ने दोबारा शूट करने से इनकार कर दिया।
ऐसे में ताओ में आ गए दत्त साहब और उन्होंने खुद डायरेक्शन करने का फैसला किया और रेशमा और शेरा को कंप्लीट किया। रेशमा और शेरा को क्रिटिक्स ने और कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अप्रिशिएट तो किया गया, पर बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म डिजास्टर रही। बावजूद इसके फिल्म के लिए वहीदा रहमान को रेशमा के रोल के लिए उस साल के बेस्ट एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का संगीत दिया था जयदेव जी ने। लता जी के गाए गीतों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है, जयदेव के संगीत का कोई मुकाबला नहीं है। तू चंदा में चांदनी, मीठी मीठी सी अगन, जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया, क्या क्या गीत हैं। इस फिल्म के लिए जयदेव जी को भी उनका बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पहला नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। इसके बाद सुनील दत्त ने एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था यादें। इस फिल्म में उन्होंने अकेले एक्ट किया था। इस फिल्म को भी राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। अपने बेटे संजय को लॉन्च करने के लिए उन्होंने रॉकी का डायरेक्शन किया और अपनी धर्मपत्नी नरगिस दत्त की मौत के बाद कैंसर के सब्जेक्ट पर दर्द का रिश्ता बनाई, जिसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कैंसर पेशेंट्स के इलाज में लगाया गया। तो ये है कहानी सुनील दत्त के एक्टर से डायरेक्टर बनने की। किशोर कुमार पर क्यों जड़ दिया गया केस और क्यों लगा दी गई पाबंदी उनके एक्टिंग करने पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात हो रही है किशोर कुमार की। एज ए सिंगर मैं बता चुका हूँ, उनका सफ़र आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी 1948 की फिल्म जिद्दी से। और ये प्रोफेशनल करियर बहुत सारे पड़ावों को छूता हुआ, मुकामों से गुजरता हुआ फिल्म वक्त की आवाज़ पे ख़त्म हुआ। 1988 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, जहाँ उन्होंने आशा भोसले के साथ अपना आखिरी गीत गाया था। इतने सालों के सफ़र में किशोर कुमार ने 2905 गाने गाए, जिनमें से 8 गानों के लिए उन्हें फिल्म फेयर के अवार्ड से नवाजा गया। ये गाने थे, पहला गाना जब बता चुका हूँ रूप तेरा मस्ताना, फिर उन्हें अवार्ड मिला बेस्ट सिंगर का दिल ऐसा किसी ने मेरा, खाई के पान बनारस वाला, हजार राहें मुड़ के देखी, थोड़ी सी बेवफाई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नमक हलाल, अगर तुम ना होते, टाइटल ट्रैक अगर तुम ना होते के लिए, और सागर फिल्म का सागर किनारे, और 8वां मिला मंजिलें अपनी जगह फिल्म शराबी के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किशोर कुमार का पहला एक्टिंग असाइनमेंट कौन सा था, कैसे चली इनकी एक्टिंग की गाड़ी। बात तकरीबन वही है 1950 की, जिद्दी की शूटिंग चल रही थी, तब एक माली का रोल करने वाला एक्टर नहीं आया, तो दादा मुनि ने किशोर से कहा कि तुम ये माली वाला रोल तुम कर लो। किशोर कुमार घबरा गए, कहा दादा ये एक्टिंग वैक्टिंग मुझसे नहीं होगी, आप किसी और से करवा लीजिए। मगर दादा मुनि ने समझाया, प्रेशर दिया, किशोर मान गए और रोल कर लिया। उन्होंने दादा मुनि से सारी ट्रेनिंग ले ली कि कैसा काम करना है, कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे डायलॉग बोलने हैं। और इंटेलिजेंट आदमी तो था किशोर कुमार, बचपन से ही दादा मुनि से जो सीखा फटाफट ग्रैब कर लिया। एक शॉट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, एक बार फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि इसका रीटेक लेना पड़ेगा। ये खबर सुनते ही किशोर कुमार को लगा कि इस सीन का रीटेक होने वाला है, तो वो वहां से भाग लिए। ये नटखट किशोर को है। सारे स्टूडियो में लोगों ने ढूंढा कि किशोर कुमार कहाँ गायब हो गए। बड़ी मुश्किल से 3 घंटे के बाद इन्हें ट्रेस किया गया। समझे आप, ये वो माली वाले का चक्कर है। और उस माली वाले सीन का रीटेक हुआ, पहली बार में। जी, वैसे सेट से किशोर कुमार के भागने के हजारों किस्से हैं। ऐसे ही एक बार डायरेक्टर अरविंद सेन की एक फिल्म कर रहे थे,
जहां इन्हें एक पॉइंट से कार को चलाकर दूसरे पॉइंट से होते हुए फ्रेम से आउट हो जाना था। निकली गाड़ी वहां से गई, आउट हो गए। डायरेक्टर ने कहा एक्शन, किशोर कुमार ने गाड़ी स्टार्ट की और फ्रेम से आउट हो गए। और ऐसे आउट हुए कि 3 घंटे के बाद फोन करके कहा, तुमने कट नहीं बोला तो मैं गाड़ी चलाता चलाता पनवेल तक पहुंच गया। जिद्दी फिल्म से किशोर कुमार एक्टिंग में ही कूद गए और लगभग 102 फिल्मों में एक्टिंग की। इनमें से भाई भाई, बाप रे बाप, भागम भाग, न्यू दिल्ली, आशा, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, पड़ोसन, झुमरू वगैरह वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में हैं। इतनी सारी फिल्में एज एन एक्टर करते करते एक पॉइंट पे किशोर कुमार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने कुछ ज्यादा ही काम अपने हाथ में ले लिया, जरूरत से ज्यादा फिल्में साइन कर ली और फिर जब उन फिल्मों को समय नहीं दे पाए, उनकी शूटिंग के लिए डिवोट नहीं कर पाए, डेट्स नहीं निकाल पाए, तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर उनके खिलाफ केस भी दायर कर दिया था और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक्टिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसे हालत में किशोर की पत्नी रूमा देवी ने एक पत्र लिखकर किशोर को समझाया, उनके एक्टिंग पे पाबंदी है, उनके गाने पे पाबंदी नहीं है, तो क्यों ना वो एक्टिंग भूलकर एक सिंगर के रूप में अपनी एक नई पारी शुरू कर दें। और इसी के बाद किशोर की जिंदगी में आई आराधना की सफलता के बाद सिंगिंग के काम मिलने शुरू हो गए और किशोर कुमार ने बहुत सी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत गाए और किशोर कुमार की नई पारी का आगाज बेहतरीन हुआ। कटी पतंग, प्रेम पुजारी, सच्चा झूठा, सफर, अमर, प्रेम, अंदाज, गैम्बलर, हरे रामा, हरे कृष्णा, डॉन, सागर एंड सो। याद है आपको साधना जी की पहली हिंदी फिल्म लव इन शिमला और उसके डायरेक्टर आर के नैयर? और याद है पहली ही फिल्म में डायरेक्टर आर के नैयर को दिल दे बैठी साधना जी, पर बात आगे नहीं बढ़ सकी, बहुत सारे मजबूरी हालात इधर भी हैं और उधर भी। दोनों ने फैसला किया कि अलग हो जाते हैं, दोनों मसरूफ हो गए अपनी अपनी जिंदगी में, लेकिन ये फीलिंग्स वापस उभर के आईं। साधना जी को प्यार मिला उनका। अगले पड़ाव में बात करेंगे साधना जी की शादी और उसके बाद आए उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बचपन से ही साधना जी बहुत मेहनती थी, बहुत कमिटेड, डेडिकेटेड अपने काम के लिए। 1964 में आई एक फिल्म वो कौन थी, जिसे डायरेक्टर राज खोसला साहब के कहने पर उन्होंने बिना एंड जाने स्क्रिप्ट सुनकर साइन किया था, लेकिन वो जानना चाहती थी कि प्रोड्यूसर कौन है, बाकी का सेटअप क्या है। लेकिन खोसला साहब ने, राज खोसला साहब ने कहा, बस तुम ये जान लो कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूं और भूल जाओ कि आगे क्या होगा। फिल्म में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मनोज कुमार के साथ साधना को उनका पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। यह फिल्म उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। लेकिन यह वक्त वही वक्त था जब एक तरफ साधना का करियर अपने उरूज पे था तो दूसरी तरफ उनके दिल में कहीं एक खालीपन करवटे ले रहा था, या यूं कहूं कि खालीपन महसूस हो रहा था और कहीं पहले प्यार की यादें भी ताजा हो रही थीं, जिसे साधना जी अभी भी भूली नहीं थी, और वो पहला प्यार था आर के नैयर। उधर आर के नैयर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कई सालों के बाद एक दिन आर के नैयर जी ने साधना को फोन किया और पुराने दिनों की याद दिलाकर अचानक शादी के लिए प्रपोज कर दिया। साधना जी के मम्मी डैडी को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा ये रिश्ता ठीक नहीं है, हम मंजूर नहीं करते हैं। पर बाद में मंजूर करना पड़ा, पिताजी को मानना पड़ा, क्योंकि भैया जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये नौबत तब आती है जब घर वाले मानते नहीं हैं। बाद में मम्मी जी की भी रजामंदी मिल गई। आर के नैयर के पाली हिल वाले घर में दोनों की इंगेजमेंट हुई,
बनारसी साड़ी में साधना जी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी हीरोइन ने अपने एंगेजमेंट के लिए हजारों गेस्ट्स को इनवाइट किया हो। 1966 में साधना जी ने शादी कर ली ग्रेट डायरेक्टर आर के नैयर से। इसी साल एक बार फिर से राज खोसला साहब के साथ डबल रोल में एक मिस्ट्री फिल्म की, मेरा साया, सुपर डुपर हिट फिल्म। इसके बाद तो साधना जी को बहुत सारे लोगों ने लेबल दे दिया मिस्ट्री वुमन के नाम से। अब साधना अपने करियर की बुलंदी पे थी, शोहरत भी बहुत मिल चुकी थी, लेकिन आप जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से कई बार नीचे आना भी होता है। साधना जी करियर की जिस ऊंचाई पे थी उससे नीचे नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्मों में और काम ना करने का मन बना लिया। 3-4 फिल्में करके फिल्म इंडस्ट्री की एक्टिव लाइफ से तकरीबन नाता तोड़ लिया। ये 3-4 फिल्में थी, लास्ट की जो एंड जो थी, एक फूल दो माली, इंतकाम, सच्चाई, इश्क पर जोर नहीं। इसके बाद 1971 में गीता मेरा नाम फिल्म रिलीज हुई। गीता मेरा नाम को खुद साधना जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने फिल्मों को कह दिया, फिल्म इंडस्ट्री को कह दिया गुड बाय। क्यों हिंदी फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए सोनिक ओमी की जोड़ी के ओमी को मजबूरी में फीमेल कोरस में गीत गाने पड़े, एक मर्द होकर औरत की आवाज में गाया। ये किस्सा थोड़ी देर में, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात सोनिक ओमी की चाचा भतीजे की ये बेहतरीन जोड़ी संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन करने का सपना लिए 1949 में बॉम्बे आई थी। सोनिक उस वक्त कुछ 21 बरस के थे और उनके भतीजे ओमी 10 बरस के। सोनिक जी ब्लाइंड थे और इस अनजान शहर में उनका सहारा था उनका भतीजा ओमी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद ओमी की तबीयत बहुत ख़राब होने की वजह से उन्हें अपने गांव वापस लौटना पड़ा। सोनिक ने इस दौरान बॉम्बे में अकेले ही संघर्ष किया, सिंगर बनना चाहते थे, स्ट्रगल जारी था और जो भी मौका मिल रहा था उससे गुजारा चलाना थोड़ा मुश्किल था। और फिर 1954 में ओमी अपने चाचा का साथ देने और फिर से एक नई इनिंग शुरू करने आ गए बॉम्बे। दोनों रहा करते थे बॉम्बे का जो आउटरस्कर्ट से ठाणे डिस्ट्रिक्ट। तंगी के दिनों में बॉम्बे के स्टूडियो तक आना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष था। लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए भी दोनों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे और रिस्क लेकर विदाउट टिकट लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे। एक दिन दोनों काम ढूंढने एक म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने पहुंचे रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमेशा की तरह जवाब नेगेटिव था, लेकिन ओमी की आवाज सुनकर उस म्यूजिक डायरेक्टर ने यह जरूर कहा कि अगर तुम चाहो तो फीमेल कोरस में गाना गा सकते हो। 15 साल का ओमी जी थे, आवाज थोड़ी सी बारीक थी, बच्चों की है ना, टीनेजर्स की बारीक आवाज थी, तो वो मेल आवाज की जो पुख्तगी होती है वो नहीं थी, बल्कि वो फीमेल। हाँ जी जी, ये ऑफर सुनकर धक्का तो बहुत लगा, मगर बाद में हालात का ख्याल आया और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अपने एक इंटरव्यू में ओमी जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि तंग हाली के उन दिनों में ना चाहने के बावजूद उन्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन दिन अच्छे आने थे, हार नहीं मानी और इसी का परिणाम उन्हें मिला 1966 की फिल्म जहाँ चाचा भतीजे ने म्यूजिक दिया। म्यूजिक लोगों ने बहुत पसंद किया। फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया और बहुत अच्छे अच्छे गीत बनाए उन्होंने। कौन सा? कान में झुमका। हाँ, कान में क्या क्या, देखिए क्या सुपर हिट। रेखा की पहली फिल्म थी वो, देखिए रमीन निश्चल की। ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर सोनिक ओमी जी को
प्रणाम करते हुए, उन्हें याद करते हुए प्रोग्राम के आखिरी भाग में एक्टर विनोद खन्ना की एक फिल्म में अरुणा ईरानी को डांस नंबर समझाने वाला विनोद का भाई निकला। 25 साल पहले उनके स्कूल के दिनों का प्यार। इसके पीछे की कहानी क्या है बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, यूं तो अरुणा ईरानी ने अपने पिता की मर्जी के कारण छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, घर के हालात ऐसे थे। मगर अरुणा ईरानी जब अपनी टीन एज में थी तब वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के प्रमोद को पसंद करने लगी थी। जाहिर है कि ये पसंद जो थी वन साइडेड नहीं थी। प्रमोद भी चाहने लगा, दोनों एक साथ खेलते और स्कूल खत्म होने पर प्रमोद घर तक अरुणा को छोड़ने भी आया करता था, साथ बैठकर वक्त बिताते, लंच करते। अपने इस बचपन के इन्फैचुएशन या प्रेम का इजहार अरुणा जी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में किया है और इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले कि ये कहानी आगे बढ़ती प्रमोद बंबई छोड़कर चला गया। अरुणा जी कुल मिलाकर 8 भाई बहन थे जिसके चलते उनके पिता सभी बच्चों का जिम्मा नहीं उठा सकते थे और इसी की वजह से शायद अरुणा ईरानी को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर की परेशानियों के चलते स्ट्रगल करते फिल्मों में काम करने के लिए आगे बढ़ गईं, बिजी हो गईं। जनाब, काफ़ी सालों के स्ट्रगल के बाद जब अरुणा ईरानी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी जगह बना ली, मुकाम बना लिया, तब तक प्रमोद एक अफसाना बन गया था, माजी का, पास्ट का। अब होता क्या है कि अरुणा के पास विनोद खन्ना अपनी एक फिल्म में डांस नंबर का ऑफर लेकर आए। अरुणा के हां कहने पर, उनसे डिटेल पूछने पर उन्होंने कहा कि उनका भाई ये फिल्म बना रहा है और बाकी की डिटेल वो ही समझा देगा। इसके कुछ दिनों के बाद जब अरुणा विनोद के भाई से मिली तो वो अरुणा ईरानी को फिल्म की सिचुएशन तो समझा रहा था लेकिन साथ साथ बहुत जबरदस्त स्टेयर किए जा रहा था, घूरे चला जा रहा था। अरुणा ईरानी को अटपटा लगा, लेकिन थोड़ा सा एम्बेरसमेंट भी था, लेकिन कुछ बोला नहीं उन्होंने, विनोद का भाई है। अचानक एक बात स्ट्राइक हुई उनके दिमाग में कि ये इसकी आंखें बड़ी जानी पहचानी लग रही हैं। और अब विनोद का भाई जोर जोर से हंसने लगा। अरुणा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तब उस प्रोड्यूसर यानी कि विनोद के भाई ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना मगर मैं तुम्हें पहचान गया हूं, मैं वही तुम्हारे साथ पढ़ने वाला प्रमोद हूं जो 25 साल पहले तुमसे अलग हो गया था, चला गया था। तो अरुणा जी को याद करते हुए और ऐसे दोस्ती को, ऐसे दोस्तों को जो खो जाते हैं। एक बार पाकिस्तान से कुछ शायर आए थे, ओबेदुल्ला अलीम उनका नाम था, उन्होंने उनकी गज़ल मुझे याद रह गई, जो उसने किया उसे सिला दे मौला मुझे सब्र की जजा दे। कहने का मतलब है जो उसने किया उसका फल उसको देना, हे परमात्मा मुझे धैर्य शांति संतोष का फल देना। जो उसने किया उसे सिला दे मौला मुझे सब्र की जजा दे, बच्चों की तरह ये लफ्ज़ मेरे माबूद इन्हें बोलना सिखा दे। और हासिल गज़ल शेर है कि मुझसे मेरा कोई मिलने वाला, मुझसे मेरा कोई मिलने वाला, बिछड़ा तो नहीं मगर मिला दे। तो 25 साल के बाद प्रमोद अरुणा ईरानी से मिला। तो जितने भी सुनने वाले हैं उनके अगर जो दोस्त यार अहबाब अगर बिछड़ गए हों तो वो मिलें, ये मिलन जो है बड़ी कमाल की चीज है। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।